लोग इतनी सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं मैं स्टार्स से और उनसे मेरा कोई पर्सनल लेना देना नहीं आपकी मॉर्निंग्स एनर्जाइज करती हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारी शोबिस इंडस्ट्री की मुझे ऑलमोस्ट uh, नेटवर्क के साथ ग्यारह साल और ये ग्यार्वां साल, ग्यार्वां साल हुआ साल है, I've entered the 12th year. तो जो हेट कमेंट्स आते हैं उनको जवाब क्यों देती हैं मैं एक पठान हूँ मुझे ये होता है कि मुझे कोई ट्रिगर कर देना फिर मैं उसको

बस कोई मोटे और साइको किस्म के लोग असलम दिस इज़ मरीम कहवान विद ए फ्रेश एपिसोड ऑफ नॉट एवरी वुमन आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं हम खुवान को ना एक आदत होती है जहाँ जो चीज़ अच्छी लगती है उठा के ले आते हैं फिर चाहे घर में उसकी ज़रूरत हो या नहीं मैं ये नहीं कह रही सारे ऐसा करते हैं कुछ खवतिन होती हैं जो ला के उसको बड़े प्रॉपर तरीके से कहीं सजाती हैं और एक पूरी लुक जो है वो इनहस हो जाती है बट मोस्टली जो है ना वो चीज़ें आके क्लटर बनती जाती हैं जो आप इतने से बद देखो तो खुद बंदे को एकदम से अचंभव होता है कि हे hey, मेरे पास ये भी चीज़ थी ये कहाँ से आई ये मैंने कब ली तो एक क्लटर बनता जाता है इसी तरीके से आप अगर देखें कमरे में कभी कोई एक चीज़ पायल एक दिन तो पायल हो गया फिर वो आहिस्ता 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 ना पायल बढ़ता रहता है दिस इज़ सिम्बॉलिक टू गोइंग ऑन इन योर माइंड आपको पता जब आपकी नोट कीजिएगा कि अगर आपका मेंटल क्लटर हुआ हुआ है अगर आप ओवर थिंकिंग रहे हैं देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन योर लाइफ दिमाग में भी तो वो फिर आपको ना इस तरह की चीज़ों से सामने दिखता भी है तो आपने लेना है एक सुकून का सांस और आहिस्ता आहिस्ता वन स्टेप एट अ टाइम चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करते जाएं बड़ा रिफ़्रेश भी आप फ़ील करेंगे फ्रेशन अप हो जाएंगे रिवाइटलाइज हो जाएंगे एनर्जाइज हो जाएंगे और इसी के साथ हम आते हैं आज की एपिसोड की तरफ आपकी मॉर्निंग्स एनर्जाइज करती हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत हमारी शो बस इंडस्ट्री की शी इज़ नॉट जस्ट अ मॉर्निंग शो होस्ट बल्कि फिल्म में अदाकारी भी कर चुकी हैं एज़ अ चाइल्ड स्टार आई थी ड्रामास किए इसके अलावा बड़ी वोकल है मैं अब तुम्हें कहूँगी शी इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया इन्फ्लुन्सर क्योंकि जहाँ कोई हल्की सी भी गलती गलती देखे या कोई गलत चीज़ देखे शी वॉइस तो प्लेटफॉर्म्स को बड़े अच्छे तरीके से भी यूज करी हैं सोशल मीडिया के एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया शी इज ऑल्सो एन एनिमल लवर अब तो एक, उनका अपना प्रॉपर वेंचर भी है एनिमल एक्टिविस्ट भी हैं ह्यूमैनिटेरियन भी हैं बहुत कुछ है मेरे लिए ज़िंदगी का ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके पॉडकास्ट में सबसे पहले आई हूँ और ये कि मुझे खुशी इस बात की है हैदर माशाल्लाह यू डूइंग इतना अच्छे स्मूदली और इतना फैंटास्टिक तरीके से आप इसको होस्ट कर रही हैं आई एव सीन मोस्ट ऑफ योर एपिसोड्स ऑन इंस्टाग्राम एंड मुख्तलिफ जगहों पर यूट्यूब पे मार्लस और आपका जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने क्योंकि आपको मेरी आपसे जान पहचान काफ़ी कई सालों की है yes. तो हैव सीन यू ग्रो एंड hmm. आपकी जो ग्रोथ है और जो आपका इवॉल्व करने का एक आप, आप कोशिश कर रही हैं दैट्स वंडरफुल एंड आई थिंक पर्पस ऑफ लाइफ इंसान का जिस तरह आप कर रही हैं हर एक कर सकता है लेकिन आपने माशाल्लाह से स्पीड पकड़ी भी है नहीं थैंक यू सो मच मिशी दिस स्पेशली कमिंग फ्रॉम यू मीन अलॉट क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि एक पुराना साथ है तो hmm. आपने वो स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ देखी hmm. है इवॉल्व होते hmm. देखा है uh, मुझे पर्सनली यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फेजेस आपके साथ <laughs> मतलब <laughs> आपके सामने गुजारे <laughs> <भिल्कुर>। तो थैंक यू सो मच थैंक यू एंड सेकेंडली माशा नाव यू हैव टू ब्यूटिफुल किड्स एंड अ फैमिली एंड एंड अ वंडरफुल फादर इन लॉ एंड पूरा <laughs> एक सिस्टम में अब आप हैं उसको साथ साथ अब आप अपनी यूनिवर्सिटी uh, को कैरी कर रही हैं पढ़ाई को भी कर रही हैं तो टाइम मैनेज जो है ना

अच्छा मिश्र सबसे पहले तो बात करते हैं मॉर्निंग शोज़ क्योंकि वो बहुत अरसे से आपकी दहाई से ऊपर गुजर गए तो शुरू से मॉर्निंग पर्सन थी या मॉर्निंग शोज़ की वजह से मॉर्निंग पर्सन बनी <laughs> नहीं एक्चुअली मॉर्निंग पर्सन मैं uh, जब प्लेज में काम करती तब तो मुश्किल था क्योंकि लेट नाइट शूटिंग्स होती हैं फिल्म में भी हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जी कुछ सीन्स जो हैं वो चले रात को बड़े इमोशनल हैं या वो चले सुकून में करेंगे तो मॉर्निंग कॉलेज uh, तक तो मॉर्निंग पर्सन थी उसके बाद नहीं थी और जब खैबर नेटवर्क मैंने ज्वाइन किया तो बेसिकली वो इवनिंग शो के लिए था hmm. लेकिन जब मैं आई यहाँ पे सारा कुछ वहाँ कराची से लेके तो hmm. पता चला कि डिसाइड हुआ कि जी मॉर्निंग शो के टू पर नहीं है तो वो स्टार्ट करेंगे तो पहले तो मैं पैनिक हो गई मैं कहा कह गॉड सुबह उठना पड़ेगा लेकिन नहीं नहीं, नहीं आपने तो इवनिंग का क्या दूर कोई बात नहीं आप मॉर्निंग शुरू करें hmm. तो आई गॉट फोर डेज़ टू वेकअप इन द मॉर्निंग बट फिर मुझे एहसास हुआ कि सुबह उठ के जब आप पूरा दिन देखते हैं और दो बजे और बारह बजे मनुष्यों की तरह नहीं उठते hmm. तो आई लव इट और फिर मैंने कहा इंसान का एनर्जी लेवल बाकी दिन में भी कितना जो अल्लाह ताला ने सिस्टम एक बनाया कि सुबह उठें सो आई स्टार्टेड मुझे शुरू में थोड़ा सा ऑब्वियसली प्रॉब्लम hmm. तो होता है बट वेन आई गॉट इन द ग्रूव तो बस फिर उसके बाद सुबह जो भी हो मैंने मॉर्निंग शो में जाना है चाहे yeah. धरना हो आंसू गैस हो रस्ते बंद हों में पहुँच जाती थी पहुँच जाती तो थी। मुझे याद है सर कामरान हमेशा ये कहते थे कोई इंजीनियर या कोई पहुंचता नहीं था ना या वो लेट हो जाता था भाई मिशी पहुंच सकती है इतने रस्ते बंद थे तो तुम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते सो दैट गेव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन देखिए मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत किसी का एक लफ्स भी आपको मोटिवेट करता है तो मैं कह फिर वो है और उनको किसी ने ये भी कहा था कि भई ये तीन चार हफ्ते करेगी और फिर ये बड़ी लाओबाली है ये गायब हो जाएगी अच्छा hmm. मैंने दिल में कहा मैंने तो आज तक कभी किसी को उस तरह शूटिंग छोड़ के मैं गायब नहीं हुई या कहीं पहाड़ों में गुम हो गई तो ये क्यों ये होता है दूसरे का वो ख़राब करना क्रेडिबिलिटी तो अब मैं सर से लास्ट आई थिंक दो साल पहले मैंने कहा सर वो याद है आपको कॉल तो अब मुझे ऑलमोस्ट uh, खैबर नेटवर्क के साथ दस साल और ये ग्यारहवा साल खत्म हुआ है एंड आई एंटर द ट्वेल्थ ईयर तो जिसने भी ये कहा था ना आप बहुत ख़राब आदमी हैं औरत हैं <laughs> ये वो प्रोफेशनल जेलसी वाली चीज़ होती है ना स्पेशली क्योंकि यहाँ से वैसे भी इतने मॉर्निंग शोज हो ही नहीं थे मेरा जैसे आपने कहा कि जो कुछ भी हो जाए धरना भी इधर ही होना है प्रोटेस्ट भी यहीं होने हैं रोड्स भी इधर ही ब्लॉक होनी है तो इस्लामाबाद का एक वो मसला तो रहा है तो वो एक रेगुलर रखना एक चीज़ रोज सुबह पहुँचना और करना सो या क्रेडिट टू यू थैंक यू बट ये क्या देखिए आपको अपनी पसंद की चीज़ एक जो अच्छी बात मुझे लगी और भी शोज मैंने बहुत किए कराची में मुख्त जगहों पर लेकिन uh, मुझे एक प्लेइंग फील्ड जो है ना मुझे पहले पॉलिसी और जो आपके पॉइंट्स uh, हैं ना वो सर ने बता दिए थे भाई ये डूज एंड डोंट्स बेसिक्स वो बेसिक्स मेरे दिमाग में रहे मुझे हुँ. उनको रोज नहीं बताना पड़ा उसी के अंदर मैंने प्ले किया एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द शो वॉज जो स्पॉन्टेनियस यू एस पी थी कि जो गलती हो जाए या कुछ चीज़ गिर जाए या मैं खुद कुछ उल्टा कर दूँ <laughs> तो वो भी ऑन एयर जाता था और कभी वो हर हर शो की एक यू होती है एंड ऑफ कोर्स द कुकिंग पार्ट मतलब मुझे अब यकीन नहीं आता कि मैं अब आंख बंद करके कुकिंग कर लेती क्योंकि प्रैक्टिस इतनी प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट सो इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी एंड इन सेहत और वो रही तो कर रही अगर आगे भी इजाजत दे तो इसी तरीके से हम आपको देखना चाहते हैं क्योंकि लोगों का एक आपके साथ बॉन्ड बन गया मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ एवरीबडीज हाउस में कहूँगी रोज़ सुबह आपके साथ ही होती है और वैसे भी मतलब अब बारह साल अब खुद हमने बात की है तो मॉर्निंग शो भी बड़ा इवॉल्व हुए हैं अगर आप बात करें मतलब शुरू में होता था बड़ी कंपेटिटिव मार्केट थी आज एक एक्टर उस स्क्रीन पे कर रही है कोशिश होती थी, थी कि दूसरे चैनल पे आ जाए और फिर अब जब इतने सारे मॉर्निंग शो शुरू हो गए तो फिर एक अपर एज लेने के लिए कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी होना शुरू हो गई कुछ जानबूझ के मतलब एक वो जो असेंस था ना कि लाइव शो से हट हु के अब वो मॉर्निंग शो भी स्क्रिप्टेड होने ना बहुत सारी ऐसी चीजें आई बट देन अगेन Doing दैट since सो मैनी ईयर्स विदाउट एनी कॉन्ट्रोवर्सी ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये आपको उसका क्रेडिट चाहिए कभी हुई नहीं थोड़ी सी के <laughs> टी आर पीज़ के लिए सारे कर ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ ना कुछ um, टी आर पीज़ आई थिंक वो एक, एक तो स्पॉन्टेनियस होता है ना जिस तरह एक वो म्यूजिशिय बेचारे बजा रहे थे और मैंने इतनी जोर का पता नहीं उठी हूँ तो वो सोफ़ा ही नीचे गिर गया फिर मैंने वो बजा अच्छा वो अजीब बात वो बजाए जा रहे हैं <laughs> अब मैंने कहा ये कैसे है कि रुके भी नहीं और मैंने सोफा भी ठीक कर गया फिर मैं वापस ताली बजा रही हूँ हाँ। तो कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियस होती हैं कुछ चीज़ें आप प्लान करते हैं है। मेरे ख्याल प्लानिंग जो है वो किसी हद तक कुछ सालों तक तो लोगों को लगा कि ये बड़ा स्पॉन्टेनियस है बट उसके बाद फिर लोग भी जो फेक चीज़ होती है उसको समझ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे शो में जो फैमिली शो होता है उसमें कोई कंट्रोवर्सी उस तरह की क्रिएट करने की जरूरत पड़े हाँ स्लो एंड स्टडी वन्स द रेस मैं स्नेल पेस पे या उस पर अगर जा रही हूँ तो कॉन्ट्रवर्सी के बगैर हर घर में मे भी अगर दस लोग देखते हैं अच्छा मैं आपको अजीब बात है जब मैं शो शुरू करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि पता नहीं पाँच दस लोग देख रहे हैं ये मैंने हमेशा से जब मैं प्लेस भी लेकिन फिर वो जब मुझे मुख्तलिफ जगहों से कॉल आती है तो मैं कहती हूँ चलो यार अगर दो हजार या दस हजार hmm. या बीस हजार या जितने भी आ, उसमें देख Numbers रहे हैं नंबर्स है, हाँ कभी नहीं मुझे मैटर किए ना ही मुझे बिकॉज वो देखे ना टी आर पीज की वजह से वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी इतनी बड़ी कि वो बंद हो गए ऐसे है वही तो बंद कर, कर दिए exactly, गए हाँ. चैनल ने खुद बंद कर दिए hmm. तो कम अज कम ये नहीं है कि आप, आप चैनल बंद करें या आपकी इंसल्ट हो या hmm. आप चले ऑब्वियसली दे जाएसली डिड देयर हार्ड वर्क लेकिन मुझे कभी इस तरह का नहीं okay, मैं कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं कि अच्छा ये करते हैं तो उससे रेटिंग ऊपर चली जाएगी। वो जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर वैसे ही आ जाती है कि अगर आपके पास एक स्क्रीन है हाँ। आपके पास मीडियम है अगर लोग आपको सुन रहे हैं हाँ। तो उसको राइट right वे में यूज करना हाँ। और उसी को आप आगे लेके चलिए अच्छा मिशी Uh, कितना मुश्किल है इस फील्ड uh, में सरवाइव करना और इतना अरसर तो मतलब लोग आते हैं चले जाते हैं कहीं गुम हो जाते हैं hmm. शायद दस साल बाद एक अपेयरेंस वापस आती है वो स्पॉटेड देयर hmm. ये वो और लोगों को क्यूरोसिटी hmm. भी होती है कि कहाँ है ये वो आपने तो मतलब बहुत लंबा अर्सा इसमें देखा बिकॉज यू वो वेरी यंग वन यू एंटेड दिस फील्ड तो बहुत सारे आपके कॉलीग्स आए गए कुछ बहुत बड़े स्टार्स बन गए कुछ स्पाइक थी बट देन दे समवेयर वी डोंट नो वेयर दे आर तो कैसा रहा ये सफ़र इट्स बीन क्वाइट अ रोलर कोस्टर राइड जो कि हर प्रोफेशन में होता है और कुछ जिन आ, जैसा आपने कहा कुछ नहीं है कुछ चले गए कुछ बाहर सेटल्ड हैं कुछ इस दुनिया में भी नहीं है जो मेरे बड़े प्यारे प्यारे कॉलीग्स थे मेरे शुरू के जो सेवन ईयर्स हैं नाइन्टी टू के एंड और नाइन्टी थ्री से लेके नाइन्टी नाइन तक तो मैंने शो बिज़नेस में दिन रात मतलब मुझे ऐसा होता था कि आ, कराची का सीरियल है फिर एक प्राइवेट प्रोडक्शन जो है वो लाहौर में हो रही है इस तरह मेरा लाइफ गुजरी थी तो वो टाइम फिल्म भी की बीच में फिर शान के साथ भी एक फिल्म की तो वो बिल्कुल एक पावर पैक्ट नहीं होता तो एवरी डे आप कुछ ना कुछ, कुछ कर, ना कर ना रहे हैं फिर है। कुछ शोज़ हैं फिर मोइन अख्तर के साथ एक स्टेज प्ले है फिर लाहौर स्टेज पे मैंने किया कमर्शियल थिएटर भी साथ में ये जो आपका पैरेलल थिएटर है अल्लाह बखश् यासमिन इसमाइल साहबा के साथ ग्रिप्स थिएटर के मैंने को आठ से नौ प्लेज़ किए तो वो इंग्लिश में इंग्लिश उर्दू मिक्स थे इंग्लिश में थे तो आई सॉ ऑल स्टार्टर्स ऑफ शो बिज़नेस चाहे वो फ़िल्म है पेशावर सेंटर है स्टेज आर्टिस्ट हैं जो कमर्शियल स्टेज के जिसमें बब्बू बराल हैं अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे वो हैं सुहेल अहमद साहब हैं आपके अमानुल्ला साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे मतलब इन स्टॉलवर्ट्स ये तो कमर्शियल थिएटर के स्टॉलवर्ट्स थे बिग स्टार्स इनके साथ भी काम करने का मौका मिला फिर मुझे खालिद अनम और उनके साथ भी सो सी आई टेस्टेड ऑल द फ्लेवर्स ऑफ शो बिजनेस जिसमें फ़िल्मी अदाकार हैं उनके साथ भी मैं थी जो हमारी कराची की है वो भी थी फिर स्टेज की जो फीमेल्स थी वो भी उस ज़माने में स्टेज पे इस तरह डांसेस नहीं, नहीं होते थे, थे। प्लेज हाँ। होते थे तो वहाँ पे पंजाबी वहाँ पे जाती थी वहाँ पे अंग्रेज़ी बोल रहे सो मैंने कभी किसी को जज नहीं किया कि यार ये मेरे नहीं है नहीं नहीं नहीं, नहीं ये मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना मुझे जो कुछ भी ऑफ़र होता था ना आई टू बी हैप्पी एंड डू इट मैं मेरी क्यूरियासिटी ये होती थी नहीं यार इन लोगों के बारे में अगर ये लोग ये कह रहे हैं लेट मी वर्क विद दैम एंड देन आई एल सी के यार ऐसा तो नहीं होता hmm. और अगर आप शायद मैं मेरे से लोग डरते पता नहीं क्यों डरते हैं मुझे नहीं समझ आती <laughs> शायद मेरी आवाज़ है या शायद मेरा एक फ्लैम पॉइंट नेचर है कि मुझे इस तरह का कोई फेस नहीं करना पड़ा बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं ज़रा आज की नहीं '93 से सोचे आज से उतने साल पहले मेरी जो एनर्जी होगी और जो अब है hmm. तो मैं तो किसी की बात ही नहीं सुनती थी मैं uh, uh, हमेशा उनको होता था नहीं यार मिशी उससे डर लगता है तो मैंने एक दिन पूछा मैंने कहा मैंने क्या ऐसा किया कहते नहीं जी वो आपकी आवाज़ है और आप आंखों में आंखें देख के बात करती हैं और आपसे ना थोड़ा सा खौफ आता है आई थिंक दैट वॉज द की खौफ आना चाहिए Hmm. क्योंकि खौफ आने की वजह से अगर आप होल्स होल्ली उस जमाने में एक ट्रेंड था कि uh, मदर्स साथ जाती थी hmm. और मुझे ये ट्रेंड बहुत बुरा लगता था मैं मदर्स क्यों जाती है बेचारी सारा दिन बोर होती हैं मेरी अम्मी कभी नहीं गई तो वो चीज़ से फिर मैंने पी से स्टार्ट किया सेवन ईयर्स मैंने ये किया उसके बाद मैं एक एयरलाइन में रैंडमली चली गई इंटरनेशनल एयरलाइन ये कैसा ही शौक मतलब क्योंके वो क्योंकि आई वाज टायर्ड ऑफ द सेम रूटीन सेम टॉक आपके पास कौन सा ड्रामा है फलानी जगह शूटिंग है फलाना मेकअप है hmm. उधर जाना है उधर इंटरव्यू है सो इट वॉज वेरी एक मंडे न होता जा रहा था मैंने कहा आई नीड अ ब्रेक ओके उसी ज़माने में एक एडवर्टिजमेंट आया मेरी नीस ने कहा कि मैं ये क्यों नहीं कहा मैं रात को मैंने कहा हाँ उस ज़माने में आपको पता है, मैं क्या कर रही थी <laughs> मैं एक हिस्टोरिकल uh, प्ले कर रही थी. तो थी पर हिलाना और ब्रास के ग्लासेस अच्छा, में बादशाह अच्छा। सलामत वो कर रही थी अब वो मैंने किया और वो मैं सो रही थी उन्होंने कहा जी लेटर आया आपका मैंने कहा जी अपॉइंटमेंट लेटर तो हमारी आ, चार से पांच इंटरव्यू थे सुबह सात बजे सोचे nice. और उसके अंदर एक पर्टिकुलर लुक थी okay. आ, आ, डबल मतलब आपने ऑफिस लुक में, फॉर्मल जाना। में या। अच्छा फॉर्मल लुक के लिए भाग रहे हैं चीज़ें ढूंढ रहे हैं यार वो वाले लुक एक परफेक्ट तो मैंने एक मूवी देखी थी वर्किंग वुमन वूमन मेलेनिक की थी मैंने कहा वो लुक होनी चाहिए तो फिर वो जूते ढूंढने के वो कोट शूज और फिर स्टॉकिंग्स और ये वो खैर करके मैं चली गई इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि होते 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 दो लड़कियाँ सेलेक्ट हुई अच्छा। मैं और एक और लड़की थी जिसने वही अटायर पहना हुआ था मेलिनी ग्रिफिथ वाला सीरियसली जैकेट <laughs> सिंपल बिल्कुल डॉट्स कोई मेकअप नहीं पीछे बिल्कुल जेल बैग बाल और कोई रिंग्स और कांटे झुमके कुछ नहीं हमें मिल गई अब उस ज़माने में मैं सुबह तो बड़े परफेक्ट यस you know, यू नो लवली मीटिंग यू इट्स बिकॉज ऑफ द कल्चर और शाम में मैं बादशाह सलामत तो वो मेरे लिए बिल्कुल ही अलग दुनिया बिल्कुल हाँ। एक दिन में मतलब उस पूरे एक महीने में मेरे लिए इतना डिफरेंट एक्सपीरियंस मैंने कहा रात को इनको पता चले गोरों को कि मैं जाके पर ला रही है और कहीं बाइ और वहाँ पर आप बोल रहे हैं प्लीज कुछ खाने को मंगा दें बस ये सीन कर लें अभी आता है वो आता ही नहीं था कभी भूख से मर जाते थे हम लोग उस जमाने की बात करें तो करते करते मैं वहाँ चली गई सारे आपके जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं वो 2000 में मेरी जॉइनिंग डेट थी ज़ीरो वन जीरो वन टू थाउजेंड टू थाउजेंड में ही पहला चैनल आया दूसरा आया अच्छा मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ जब मैं वहाँ गई ना तो जाने से पहले मैं एक शो करती थी तो उसके डायरेक्टर ने कहा मैंने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ तो आप किसी और होस्ट को ढूंढ लें क्यों भाई किसी और तुम आ जाओगी ना मैंने कहा नहीं मैं जा रही हूँ तो कहाँ मैंने कहा फ्लां फलां एयरलाइन में मेरा हो गया एय एमरेट्स एयरलाइन में हो yes. गया तो मैं अब उधर जा तुम पागल हो तुम लोगों को खाना दोगी तुम स्टार हो तुम फलोनी हो मैंने कहा अब सोचे उससे मेरा आंसर क्या था मैंने कहा देखिए डिग्निटी ऑफ लेबर है मैं एक काम कर रही और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं फ्री में ट्रैवल करूँगी exactly, मुख्तलि मुल्कों हाँ. में और उसमें फ़र्स्ट एड भी सिखाते हैं उसमें आपको उठना बैठना तरीका सिर्फ Banner, खाना पीना नहीं होता है तो सेफ्टी इमरजेंसी प्रोसीजर भी सिखाते हैं नहीं नहीं तुम गलत कर रही हो उसका तुम पीक पे हो मैंने कहा पीक पे ही जाना चाहिए hmm. <laughs> क्योंकि धक्के मार के कोई निकाले तो बुरी बात है ना तो खैर मैं चली गई मैंने कहा आप किसी और को ले मम्मी ने मुझे एक चीज़ के, मैंने कहा मैं थोड़ी डबल माइंडेड बेटा ये तो आपको पता है आपके पास है hmm. वो चीज आपने देखी नहीं तो आपको वहां जाके सिक्स मंथ्स देखो नहीं हुआ तो आप करके आ जाओ ये उन्होंने कहा मैं गई तो मुझे भूल ही गया मैं कभी शो बिजनेस में थी इट वॉज The most amazing experience of my life. A different world altogether. मैंने कहा कि यार ये मैं अगर ना करती ना तो मैं बहुत कुछ मिस करती hmm. सोचे free में आप cultures देख रहे हैं travel कर रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं आपको डील करना आ रहा है और सबसे बड़ी बात है अकेले सर्वाइव करना आपको सिखा देते हैं वो। बिल्कुल ऐसे अपना बैग उठाएं, अपना बैग नीचे रखें, ऊपर ये नहीं कि शेरफ मुझे एक पानी का गिलास देना भाई आप उठ के खुद भी ले सकते हैं तो सेल्फ hmm. उन्होंने सिखाई से ने बहुत इसीलिए तरक्की की और हम लोग क्योंकि सोफे तोड़ते रहते हैं बिस्तर तोड़ते रहते हैं काम नहीं करते hmm. तो वो जो तो हमारा स्टेटस सिंबल होता है ना कि अगर कोई हमारे लिए कर रहे तो दैट शोज oh. के हम बहुत चीज़ हैं बिल्कुल अच्छा इधर वाले अच्छा बीच में वो मेरा हो गया मैंने कहा ममा मैंने तो बहुत गलती करती और ना आती खैर hmm. मैंने आई ओके वो करते 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 इंग्लैंड जा न्यूजीलैंड जा रहे हैं उधर जा रहे हैं hmm. लेकिन मैं एक चीज़ नोट करती थी कि इतने बड़े बड़े कंपनी के सी अपना बैग खुद उठाते थे कन्वेयर बेल्ट से ख़ुद उठाते थे थैंक यू ये वो इधर जब मैं छुट्टियों पे आती ना फिर मैं नोट करना शुरू कर दी फिर यहाँ पे जैसे एयरपोर्ट पे उतरे तो एक बंदा प्ले कार्ड वो कार्ड लेके कर yes. खड़ा हुआ है फ्लैट वो जैसी आया ना उसने एकदम से यूँ वही आदमी उस एयरपोर्ट पर चुप करके खड़ा हुआ है आई टेस्टिंग भी करानी पड़ती है उसको बेचारे को उधर आके इतनी देर क्यों लगा दी तुमने अच्छा वो बेचारे कह नहीं, नहीं सर वो बस ये हो गया वो बैग पकड़ा पीछे चलो ढंग 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 आगे जा रहा है यार ये अभी वहाँ पे वहाँ पे वहाँ hmm. से आया और एकदम से सो द डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ कि हम लोगों को शो मारने की बड़ी शौक है जेब में हमारे पास दस रुपए नहीं होंगे लेकिन शो हमारे होंगे हमारे पास दस करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और जो आदमी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ब्लंट है उसको ये बेवकूफ़ कहते हैं यहाँ पे तो बड़ा बेवकूफ़ बड़ा सिंपल है कुछ सिंपल नहीं है अक्लमंद है हुँ. लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसको रात को सोना है बगैर गोली खा के जो कि मैंने आज तक कभी नहीं खाई मैं सुकून से सोती हूँ क्योंकि मुझे अगर कुछ कहना है तो मैं कह देती हूँ उसी वक्त कह देती हूँ मैं घुमा फिरा के ही आ, आ, टू फेस्ड नहीं होते लोग हमारे सोसाइटी में टू फेस्ड लोग बहुत हैं

नहीं कोई कहता है ये फिर कोई बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स में मेरा हाँ. नाम नहीं वो तो बड़ी अनप्रडिक्टेबल है वो एक दिन आएंगी दूसरे दिन गायब हो जाएंगी mm. कि जो भी सुन रहा है ना और कह रहा है मुझे नहीं समझ आती मैं कहाँ गायब होती हूँ mm. आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे ट्वेल्व इयर्स से हूँ अच्छा फिर तीसरी बात मेरे ख्याल में उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है ख्याल में क्योंकि उनको अपना कोई बंदा फिट कराना होता है जिसके उनको कमीशन मिलता है दैट्स हाउ द होल थिंग वर्क्स तो जब मैंने सोचा मैंने कहा चलो ठीक है भाई कि कितना खा सकते हैं कितना आपको प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं देन जब मैं वापस आई ना तो मुझे क्योंकि टाइम की बड़ी वो हो गई थी मेरे से सुबह दस बजे से रात दस बजे तक मेरा खाना किधर है खैर अब बेहतर हो गया मैंने सुनने में आया बहुत अच्छा हो गया चलें अच्छी बात है चेक्स का ना मिलना लेट पेमेंट आई जस्ट थाट मैं उस चीज़ से नहीं गुजरना चाहती फिर मैंने कहा मैं लाइव शो करूँगी मुझे लाइव बहुत पसंद है टाइम से शुरू हुआ टाइम पे ख़त्म उसके बाद आपने जाके तीतर उड़ाने या अपने मुर्गियों को दाना डालना है आप पूरा दिन आपके पास हाँ। तो इससे फिर मैं मेरा जो सफ़र है वो फिर आई थिंक द लास्ट प्रोजेक्ट एक्टर मैंने किया था वो था इस्लामाबाद प्रोजेक्ट था जानान जानान फिल्म यस उसके बाद बहुत सारे हुए लेकिन कोई एसेंस नहीं होता जो मुझे कैरेक्टर होता है ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देखिए एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर मी ऑलवेज हैज़ बीन मुझे किसी की भाभी बहन लेकिन उसके अंदर कोई एसेंस हो ना hmm. अब मैं किसी को चपेड़े मार रही हूँ या मैं कह रही हूँ गंदे गंदे मुंह बना रही हूँ so, hmm. तो इसलिए मेरा एक्टिंग से थोड़ा राइट एंड देन एवरी वन शुड मैं ज्यादा बातें तो नहीं कर रही नहीं, 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 <laughs> बातें सुन के है। कोविड आया कोविड में एक टॉटस अलॉट कि कभी आपको घर बैठना पड़े तो आप क्या करेंगे आप बाहर ही नहीं निकल सकते आप किसी से मिल ही नहीं सकते उसमें मैंने बहुत सारे इंटरेस्ट डेवलप किए अपने ख़ुद के जिनमें एनिमल्स का था hmm. जिनमें डॉग्स का था जिनमें मैं जब गाड़ी में अकेली निकलती थी ना बंदा ना बंदे की ज़ात और फिर बेचारे इनके पास कुछ जो मेरे एरिया में होते थे फिर मैं कुछ ना कुछ करके उनको फीड कराती थी वहाँ से फिर मैं सोचा मैं एक जगह लूँगी इनके लिए क्योंकि घर में तो आप रेजिडेंशियल एरिया में नहीं, नहीं रख सकते, सकते। बिल्कुल वहाँ से ढूंढना शुरू किया कुछ निकल जाती थी वो एक जगह बड़ी प्यारी माशाल्लाह से मिल गई वहाँ पे डेवलप थोड़ा, थोड़ा 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 क्योंकि मुझे ऐसा कोई फंडिंग नहीं है यू नो मैं अपने जेब से करती हूँ और ये कि मम्मी ने कभी या भाई ने या मेरे एक दो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कभी कहा यार हम ये कर देते हैं करते 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 माशाला से पर्पज ऑफ लाइफ मेरा आई लव एनिमल्स बिकॉज दे डोंट हार्म इमोशनली फिजिकली नहीं करते जब तक आप उन्हें तंग ना करें एंड मैं समझती हूँ कि इट गिव्स मी ग्रेट सेटिसफैक्शन और फिर सोशल इश्यूज़ की तरफ मैं उसको बताई जब माई ब्रदर पास्टए अल्लाह उनको जन्त पर जगह दे तो मैंने वो एक वीडियो थी जो बड़ी एक नेग्लिजेंस uh, के ऊपर मैंने लगाई थी हॉस्पिटल तो yeah. के ऊपर बिकॉज मैं, मैं सामने थी और मैंने वो चीज़ें देखी थी हुँ. तो वो मैंने लगाई उसके ऊपर बड़े लोगों ने अपनी आपको मैं बता नहीं सकती ग्लासगो से लेके यूके से लेके वो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो हैक हो गया था लेकिन मैं आपको पता है उसमें पाँच छः लाख लोगों ने और वाँ. जो इनबॉक्स में इतने लंबे लंबे मैसेज थे मैं तो आपको पता है सुबह से शाम हो जाती थी पढ़ते पढ़ते क्योंकि हर एक के साथ कोई ना कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो चुका था वहाँ से फिर मुझे एक

लेकिन सबसे मजे की बात यह कि देखिए वन थिंग लैक टू दी अदर मतलब आप किसी भी जिंदगी के पॉइंट पे वो नहीं हुआ कि बस अब बहुत हो गया इतना फेम मिल गया तो अब मुझे शोबेज में और मेहनत करने की क्या ज़रूरत है आप फिर एक प्र... प्रॉपर प्रोफेशनल एयरलाइन वाले काम में गई जहाँ पर इट्स अ प्रॉपर ड्यूटी ऑफकोर्स आपने प्रॉपर ट्रेनिंग्स भी करनी है आपने काम भी करना है उसके बाद जब वो सब ऑफकोर्स इट्स आपको ट्रैवल भी मिल रहे को भी मिल रहा है वेल पेड काम पे फिर वापस आके खबारी मैं कहूँगी वापस शोबेज में जहाँ पे ना टाइम का पता है ना कुछ आपने वो फिर से किया और अभी भी हम आपको देखते हैं कि कोई आपके पीछे तीन चार बंदे आपका बैग और आपकी चीज़ें पकड़ के नहीं आ रहे होते आई थिंक वो जो सेल्फ सफिशंसी वाली अपनी चीज़ कही वो उसने आपको सिखा दी थी यू डूइंग दैट इंड यूर ऑन योर ओन एब्सोलूटली मैं मैं पता है क्या जहाँ पे भी उस एयरलाइन का जहाज देखती हूँ ना hmm. मैं ऑनस्टली बताऊँ मैं खड़ी होकर ना मेरी आंखों में बट दे टॉट मी हाउ टू डील विद डिफरेंट आपको पता है डिफरेंट सिंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती True. है उसको हैंडल करना उसको कैसे करना तो आई गिव द क्रेडिट टू दैम बिकॉज हमें तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट या इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती yeah. खुदा ना करे अगर घर में कुछ इमरजेंसी होती है कोई बीमार होता है कोई कोई किसी के साथ कुछ रोड पे हो जाता है mm. सारे पैनिक खड़े हो जाते हैं वीडियो है? बनाते हैं ah. या फिर क्या करते हैं कि उनको समझ नहीं आती हाँ, बिल्कुल करना स्टंट क्या? है खड़े होते हैं। उनको ये नहीं होता कि क्या हो, उसके लिए जो है आप, आप, आप प्रैक्टिकली करते नहीं, नहीं है एक्सपोजर नहीं होता तब तक वो चीज ना आपके जहन में बैठती है ना आपको पता होता है कि मुझे आती है और मुझे बात अच्छा जब मैं वहां गई ना यहाँ से लोग समझते हैं ना आप तो आप तो स्टार हैं एक तो ये जो चमचे सॉरी जो साथ में होते हैं ना आप तो बस आपकी तो नहीं 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 नहीं, नहीं इनकी बातों में कभी नहीं आना चाहता अच्छा। क्योंकि ये आपको उठा मतलब आपका जो एक सीखने का वो होता है ना कि बस आप अल्टीमेट hmm. हैं नहीं कोई इंसान अल्टीमेट नहीं होता टिल द टाइम यू आर लिविंग यू हैव हैव टू ग्रैस्प ईच एंड एवरी थिंग एवरी डे टू लर्न मैं आज भी अगर शो करती हूँ ना तो मुझे होता है वो oh, आजा आज क्या कर रहे हैं एक वो आपकी होती है एक एक्साइटमेंट होती है एक बटरफ्लाइज होते हैं तो ये मैं कहूँगी कि हर इंसान को पाकिस्तान देखें हजूर पाक सल वसम हर काम अपने हाथ मुबारक से करते थे ऐसे हम लोगों को करने में क्या प्रॉब्लम है बच्चे जो हैं बैठे होते हैं माँ बाप को कह रहे होते हैं फलानी चीज़ ला दें मैं ये नहीं कह रही नहीं करना चाहिए वो बीमार है लेकिन आप उनको जब तक बताएंगे देखिए एयरलाइन मुझे हर कुछ रोज़ बताती थी मैंने एक दफ़ा गलत कलर की नेल पॉलिश लगा ली थी और मेरी ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर खड़ी हुई थी mm. और मैंने हाथ यूँ आदत है उसने मैंने देखा गुल वन सेकेंड फाइव गुल मेरा नाम ना तो गुल mm. तो साइड पे लेके गई सबके सामने नहीं साइड पर द रॉन्ग नेल खाला हाई मैंने कही तो पकड़ लिया उसने मैन एम सो सॉरी शुड आई चेंज इट कहती नो नो वन यू गो ऑन बोर्ड एंड यू गो ऑन द ले ओवर जिस मुल्क में जा रहे हैं प्लीज तो चेंज इट देन उसने ये नहीं मुझे कहा कि अभी करो तुम्हारी ऐसी कितनी और सबसे बड़ी बात जो मैंने उनसे सीखी जो कि मुझे पहले बचपन से भी पसंद थी कि जब भी आपने किसी को क्रिटिसाइज करना है अपने वर्कर को या कि कोलीग को आप उसे एक्सक्यूज करके एक कमरे में या साइड पर ले जाए सबके सामने जब आप बच्चों को भी बुरा भला कहते हैं या इंसल्ट करते हैं

ठीक है देखें गुस्सा हर एक को आता है mm. लेकिन जनरली वर्क प्लेस पर मैं कहूँगी कि इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए कि आपने किसी से आपका बहुत इख्तलाफ है या दो मिनट आओ उधर mm. माँ बेशक बाल उखेड़ दें उसके अकेले में लेकिन लोगों के सामने नहीं तो ये चीज़ मैंने एक और उनसे सीखी मैंने कहा ओके okay, वाह एक दफ़ा ये हुआ फिर <laughs> मेरा वहाँ पर चीज़ मुख्तलिफ दुनिया की चीज़ खा खा के मेरा वज़न बढ़ गया गर्ल डोंट यू थिंक यू पुटिंग ऑन वेट बिकॉज उनका एक सर्टेन वेट होता है हाइट मैंने कहा यस ओके आई विल गिव यू टू मंथ्स उसने मुझे टू मंथ्स दिए टू लूज सिक्स के जीज तो देट मीन्स कि तीन के जी पर मंथल उसने ये नहीं कहा कि बीस के जी कम करें तो मैं क्या करती फिर तो मैं बेहोश होकर गिर जाती तो फिर उसने मुझे दो महीने बाद बुलाया फिर उसने hmm. फिर मुझे चेक किया फिर मैंने जल्दी जल्दी करना पड़ा मैंने कहा भाई मुंह बंद करो और थोड़ा एक्सरसाइज करो तो वो मेरे तीन पाउंड दो महीने में तीन कम हो तो उसने ये नहीं कहा कि तुमने पूरे छः क्यों नहीं कम किए सो आई थिंक आई दे प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन हु आई एम एट द मोमेंट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ड्राइवर नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास मैनेजर सेक्रेटरी फॉलो मी नहीं है मेरे पास हेल्पर नहीं है मेरे घर में मेरे पास कोई मेड हेल्पर नहीं है okay. मैं अपने मुझे अच्छा लगता है अपने बर्तन खुद धोना क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो वो बर्तन धोएगा वो किस तरीके से धोएगा सो फॉर माय फॉर मी माय हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मैं खाना हम लोगों के घर में कभी कोई नहीं बनाता या मम्मी को मैंने देखा हमेशा या मैं खुद अपना बनाती हूँ सो कुकिंग एंड क्लिनिंग एंड द होम प्राइवेसी हाँ बाहर के लिए कुछ काम वाम हो तो मैं कर लेती हूँ बट mm. मुझे इन चीज़ों की मैंने आदत नहीं डाली और शायद वही वजह है कि मेरी जो एनर्जी लेवल है ना शुक्र क्यों करना पड़ता है ना ही है कौन धोएगा हाँ। कपड़े हमरे हमें खुद ही धोने पड़ेंगे हाँ, हाँ, तो, तो वो बाकी प, काम भी उसके साथ साथ, साथ, साथ चल रहे होते हैं अच्छा लेकिन अब जो है ना अब मोस्टली लोग जो यहाँ की सूरत हाल देखते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल देखते हैं तो उनका फिर दिल होता है कि हम कहीं बाहर जाके कोई अच्छी सी जॉब हो जाए और बाहर सेटल हो जाए आपने उस टाइम में किया अब जब लोग जाना चाह रहे हैं तो अब आप यहाँ हैं तो हुँ. कभी वो रिग्रेट हुआ या कुछ कि भाई इस सच में उधर ही रहती है क्या है या नहीं देखिये एवरीथिंग है डेस्ट नहीं the, मैं, uh, पे बहुत बिलीव बिलीव है मेरा हुँ. और मैं कहती हूँ जब भी uh, कोई काम नहीं होता उसके पीछे कोई वजह होती है और अगर नहीं होता इसके मतलब है आपकी बेहतरी अगर नहीं हुआ हुँ. अगर आपकी किसी से शादी नहीं हुई तो प्लीज रोए पीटे नहीं वो बेहतरी है कि आपकी नहीं हुई उससे मैं अपने केस में भी यही कहना चाहूँगी मैं बहुत खुश हूँ कि जिनसे होने वाली थी उनसे नहीं हुई शुक्र अलहमदिल्ला सो कमिंग बैक टू मैं समझती हूँ मैं आई हूँ अब मैं इधर हूँ मेरे रूट्स इधर हैं मेरे पली बड़ी इधर हूँ मैं मैंने सारी जिंदगी बाहर नहीं बाहर ज़रूर जाए ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग हो आप लोगों को पता हो कि कौन सा काम कैसे करना है प्लीज जाए और ट्रेन हो वापस आ जाए वापस यहाँ पे काम करें हाँ। अपना काम करें यहाँ पे बहुत सारे एवेन्यूज हैं जिनको लोग टच नहीं करते क्यों नहीं ये क्या है कि आपने थोड़ी सी मुश्किल देखी तो आप भाग गए अच्छा लेकिन ये भी अभी जैसे आप हाँ। शादी की बात भी करी थे हमारे इस माशरे में तो है ना कि एक वो चीज़ होती है कि वुमन इज़ इनकम्प्लीट इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड अगर उसकी वो लाइफ नहीं है और एक एक्सपेक्टेशन होती है सोसाइटी की उससे तो उसके अलावा मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट यू आर एम्पावर्ड यू डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन वट यू हैव टू से टू पीपल ये भी पॉसिबल है एक आप एग्जांपल तो हैं हमारे सामने बट क्या ये इतना ही आसान है जितना आसान आप इसको दिखा रही हैं मिशन शायद आसान नहीं है हुँ. शायद मैं आ, आ, आप शायद मैं ऐसा फील करती हूँ लेकिन शायद बहुत सारे लोग मुझे देखते होंगे तो कहेंगे ओ इसकी शादी नहीं हुई तो उनको मैं कहना चाहूँगी भाई अल्लाह ताला ने पूरी मखलूक को पैदा एक ही काम के लिए नहीं किया शायद मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट एंड गॉड कहते ना अल्लाह ताला आपकी शहरक से करीब है तो दैट मीन सत्तर माओ से ज़्यादा अल्लाह ताला आपको प्यार करते हैं तो उनको अपने बच्चों की जो वीक पॉइंट्स हैं उनका पता है हर एक बच्चे का पता है तो शायद मैं उनके मुझे ये मैं अपने लिए ये फिलॉसफी है कि शायद मैं ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा थी जो अल्लाह ताला को पता था कि भाई ये तो अपने में ही गुम रहती है ये कभी रात को डॉग को खाना दो बजे जा रही हूँ और वो डॉग बेचारा वहाँ बैठा हुआ होगा चलो मैं दे आती हूँ तो अगर आप किसी के साथ होंगे तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा तो उन्होंने कहा भाई इसको ऐसे ही रहने दो ये फ्री स्पिरिट चाइल्ड है इसको ऐसे ही रहने दो तो ये ठीक है तो ऐसे ही हुआ और मैं Uh, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ वाज नॉट ओनली दिस और देखिए शादी लोग करते हैं बच्चों के लिए लेकिन अगर आप खुद एक बच्चा हैं तो आप बच्चों को लाए <laughs> क्या करें? <laughs> क्या उठाएंगे आप मैं अभी तक एक खुद सा बच्चा हूँ uh. जो कि मैं सोचती हूँ एंड आई डोंट हैव बिलीव मी शुक्र अहमदुल्ला टच वर्ड नो रिग्रेट्स जिनके साथ नहीं हुई मैं तो शुक्र अहमदुल्ला करती हूँ कि मैं कुएँ में छलांग मार रही थी और अल्लाह ताला ने किसी तरह मुझे पीछे करके उनसे नहीं हुई मेरी शादी hmm. और अब मैं उनको देखती हूँ तो मैं तो द, दस दफ़ा सलाम करती हूँ बहुत थैंक यू अल्लाह मियाँ अपने hmm. शुक्र है इन मोटों के मोटे, मोटे मोटों के साथ मेरी शादी होती नहीं <laughs> बस कोई है मोटे और साइको किस्म के लोग अच्छा ये साइको वाला आपने बड़ा एक वो किया है आजकल तो हर आप किसी को उठा लो इसका ये मसला है उसका वो है स्पेशली इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ सरवाइव करना और एक दूसरे के साथ आपको पता ही नहीं लगता सामने एक बिल्कुल अलग फसाड होता है और आप पीछे जाएँ तो एक बिल्कुल ही अलग कहाँ और वो एक कलम है कि हर काम में कोई ना कोई मसले होती है शायद तब अगर ना भी सेंस बन रही हो तो ना हो यू हैव दैट कंटेंटमेंट और सुकून से बढ़ क्या चीज़ है अगर आपको एक पर्सनल वो क्लोजर है सुकून है तो ठीक है अच्छा मिशी एक पॉलिटिकल एफिलिएशन आपने एक पॉइंट पे अपनी बहुत जाहिर की उसके बाद आपकी बेस भी बहुत बढ़ गई है <laughs> <laughs> और आपसे वो वाली एक्सपेक्टेशन भी आ गई कि ठीक है आप उस मौजू के ऊपर भी बात कर सकती हैं तो क्या ये शुरू से एक आपकी इंक्लिनेशन थी या उस पॉइंट पे आपको लगा कि मेरा भी स्टेप इन करना ज़रूरी है मैं भी अपना एक तो शायद इंटरेस्ट दिखाऊं या उसके ऊपर भी बात करूं बिकॉज मोस्टली नहीं होती ना एक्सपेक्टेशन्स नहीं, नहीं होती कि जो शोबिस पर्सनालिटीज़ हैं आप अपना काम करें जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं वो अपना काम करें आप इतना ओपनली दिखाते नहीं क्यों क्योंकि चलें एक तो आपकी फ़ैन बेस आ गई जो उनके फॉलोअर्स हैं वो आपके फॉलोअर्स में भी हुँ. आ गई लेकिन जो बाकी पार्टीज के फॉलोअर्स हैं वो तो फिर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे ना तो डे यू हैव दैट इन माइंड ये रिस्क लेने जा रही थी uh, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊं क्योंकि मैं ऑब्वियसली ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है शायद बहुत सारे लोग इसको सुने और यू you नो know, उनको आइडिया हाँ। हो कि मैंने इसकी इसको डिस्क्राइब करने का मौका मुझे आज मिला है देखिए मैं वन आई वॉज टीन है मैं तो मैं टीनेजर भी कभी थी सब समझते मैं पाकिस्तान बनने से पहले आज तो आपको देख रहे इतने से थे जब तक देख रहे तो उनके लिए भी है और बाकियों के लिए भी के, मेरी क्रिकेट के साथ एफिलिएशन आज की नहीं है 80s में जब कराची में क्रिकेट मैच लेट एटीज में जब कराची में क्रिकेट मैचेस होते थे नेशनल स्टेडियम में तो सुबह मेरी अम्मी भी बहुत आर्डेंट क्रिकेट लवर भाई भी पूरा तो हम लोग ना एक पिकनिक होती थी और कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं थी एक अजीब प्यारा सा माहौल होता था तो सुबह सुबह सात बजे उठ के सैंडविचेस बनती थी उसके बाद वो डब्बे में फिर उसके बाद हम जाते थे फिर हम लाइन में खड़े हो टिकट्स लेते थे लेडीज़ इंक्लोजर होता था <coughs> और मैंने मम्मी मामा इमरान ख़ान के फील्ड एंटर करने से पहले हमने पहुंचना है अच्छा। वो जब अपनी टीम हाँ, एंटर होती है तो हम लोग पहले साढ़े सात बजे वो तंग आ जाते थे मेरे से मेरे भाई और मेरी अम्मी कि नहीं नहीं बस चलें 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 खैर उनको घसीट के साथ के वहाँ पे जाके लेडीज़ इंक्लोजर के बाहर बैठ गए अब इमरान खान की वो जाहिर पाकिस्तान की टीम अंदर वो पॉल साहब और हम लोग इमरान खान पागल हो रहे होते थे सी वाज़ अच्छा तब से किड है हाँ। और लोगों की क्योंकि फिल्थी सोच भी बहुत लोगों की है तो उनकी फिल्थ तो आप निकाल नहीं सकते बिकॉज उनके तो है ही फिल्थी फिल्थ गटर mm. मैंटालिटी <laughs> तो वो मेरा एक वहाँ से क्रेज़ था और फिर मुझे याद है मेरे अल्लाब्श खावर भाईजान जो है वो होट जिस होटल में वे ठहरते थे मैं कहनी खाबन शाम में जाना है वो लोग लिफ्ट से उतरेंगे ना तो वो इमरान खान निकलेगा तो मैंने ऑटोग्राफ अच्छा, ये और वो, ऐसा वो क्रेज जी ये वो क्रेज है ये वो नहीं है कि वो अभी डेवलप हुआ और मेरा दिल नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये तब का है मैंने अपनी ट्विटर पे एक पिक्चर लगाई है जिसमें मेरा बिल्कुल वो छोटी सी इमरान खान इज ऑन पीक टाइम में है और एक अभी जो रिसेंटली मैंने मार्च में जो तस्वीर है लाहौर में दोनों तस्वीरें हैं तो उस वक्त मैं आपको पता है डेढ़ घंटा नीचे लॉबी में बैठे हैं मैं बैठे हूँ बस अभी लिफ्ट खुल रही है लिफ्ट खुल रही है लिफ्ट खुल रही है वेट कर रहे हैं वेट कर रहे हैं एकदम से लिफ्ट खुलती है और एक पर्सनैलिटी बाहर निकलती है और मैं कहती हूँ वो भागती भी जाती सर ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ वो आगे से बात कहते हैं आप सुबह चीखती बहुत हैं क्योंकि मैं चीख रही होती थी ना मैंने मेरी एक सर्टन लुक थी चादर पहनी होती थी गोल मुँह और मैं एक जंगले पर ना उसकी तरह चिपकी होती थी लिजर्ड की तरह तो वो ज़ाहरा वो जब आते थे वहाँ पे चौका लगता था तो भागते हुए तो वो वो जो बाउंड्री है तो मैं वहाँ पे वहाँ यूँ यूँ कर रही होती थी तो, पास के पर तो कर रही होती थी तो वहाँ से उन फिर वहाँ से कहानी ख़त्म फिर पॉलिटिक्स एंड ऑल तो ये जो उस दिन हुआ जो मैं पीछे भाग रही थी और वो वन मिनट वन मिनट का नारा जो था दैट वॉज द सेम मेरे दिमाग में एकदम से वो फिगर किया जो वो बचपन में जब मैं भागी थी ऑटोग्राफ <laughs> के लिए सो इट आई रिलेट दैट टू दैट और मुझे ख्याल नहीं था कि मैं कितने लोगों में और मैं बिलीव नहीं बताऊँ कि उन लोगों में से हर एक जो भाग रहा था उसने मुझे नोटिस ही नहीं किया कि मैं फ़ीमेल साथ में भाग रही है और फूल हाथ में hmm. सारे का एक मकसद था देखना तो नोबडी पेंस्ट और डिड एनी काइंड ऑफ बदतमीजी या उन्होंने क्योंकि क्यों हरास करने की कोशिश की मतलब इट इट फॉर मी आल्सो इट वाज वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि एक पॉइंट पे मैं काफ़ी मॉब में चली गई थी ऐसे ही था हाँ नहीं हुआ कुछ भी एवरीथिंग वाज फाइन देखिये जिस जिसके साथ अल्लाह ताला की रहमत होती है ना उनको लोग कुछ भी कहें कुछ भी कहते रहें वो मैटर नहीं करता माय बेस्ट फ्रेंड सिंस आई वॉज टेन ईयर्स ओल्ड एज बी अल्लाह सबान त मैं जब रोज जब मेरी आ, अम्मी मुझे डांटती थी बाहर जाके रो देखो मेरी अम्मी ने hmm. तो तब भी मैं उनसे बात करती थी Achha. करते 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 आई हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है मेरे सब एकटेंसेस हैं दोस्तियां हैं लेकिन एक पॉइंट तक हैं मैं कभी किसी से अपनी पर्सनल लाइफ नहीं डिस्कस करती और मैं लोगों को भी कहूँगी कि प्लीज़ कीप इट योर डोंट एक्सपोज योर दैट पीपल शुड मेक अ मॉकरी आउट ऑफ योर लाइफ लोगों को तो एक बहाना चाहिए होता है कि किसी की जिंदगी में कोई ऐसा वीक पॉइंट मिले जिसको वो आप यू you know, आप नो गिर, आपने गिड़गिड़ाना बल आपने आंसू बहाने रोना है पीटना है जो भी करना है आप अल्लाह ताला के सामने करें पाँच सेकंड के अंदर अगर आपको जवाब ना मिले तो मेरा नाम बदल के कुछ और रख दें ये मैंने चीज़ yeah, नोट की है सो माई कनेक्शन देर और फिर मुझे अच्छे लगते हैं आई थिंक वट ही इज़ अ डॉग लवर ऑज वेल <laughs> वो एक्चुअली तो एक मेन कॉमन इंटरेस्ट कॉमन इंटरेस्ट और वो बचपन से एक चीज और ये चाय में रस्क डबो के खाना भी मेरा बड़ा फेवरेट है इज़ अ वेरी कॉमन पर्सन कोई उनमें वो नहीं है फूँ के तो मेरे लिए रेड कारपेट बिछाओ इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन तो पॉलिटिकल पोलिटिकल एफिलियशन बात है लेकिन एक इंसान की जो आजी है और एक नॉर्मल रख रक रखा और उठना बैठना वो मुझे अट्रैक्ट करता है जो कि मैं किसी और में देखती नहीं हूँ hmm. मैंने किसी को नहीं देखा कि उसके डॉग साथ फिर रहे हैं मैंने किसी को नहीं देखा कि वो एक नॉर्मल से ट्रक स्टैंड होटल में बैठे हुए अपने पीक करियर में चरपाई पे लेटे हुए सालन और वो रोटी खा रहे सो मे बी आई एम लाइक दैट आई तो वो जो एक लोगों की मिसकनसेप्शन थी कि अब पीक टाइम है और एक वो होता है ना जंपिंग ऑन द बैड बैंड वैगन की एक ट्रेंडिंग चीज़ है तो उसके ऊपर आ जाओ और पॉपुलैरिटी आपका वो होगा वो नहीं है आपका एक अपनी है और आपने अपने रीजंस दिए दैट मेक सेंस तो मतलब अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग असाइड यू स्टिल हैव अ लाइकिंग फॉर अ पर्सन बिकॉज ऑफ अदर रीजन बिल्कुल और okay. ये कि बाकी जो पार्टीज हैं उनके लिए मैंने कभी बुरा नहीं बोला hmm. उनके लिए आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एवरी वन वे दे हुएर फॉलोज़ देम मैंने कभी उनको बुरा नहीं कहा लेकिन uh, मैं अगर उनको फॉलो नहीं करती या कुछ है तो दैट्स इस माई ओन चॉइस सेकेंडली जो मुझे बात बहुत ऑड uh, लगी वो ये कि और तो नहीं कि uh, मुझे क्यों ये चीज़ें पसंद कोई कहते हैं ना आपने uh, उनका सहारा लेके जो जैसे आपने कहा बैंड वैगन में पॉपुलरिटी या टीआरपीज या hmm. उसके लिए देखिए मुझे अगर करनी होती है चीज़ें ना मैं अपने पीक करियर पे करती मुझे मौके बहुत मिले थे मेरे पास ना कोई जायदाद है hmm. वो ये मैं उल्टा ना सोचे लोग <laughs> 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 ना मेरे पास कोई उस तरह के एसेट्स हैं एंड यू एवरीबडी नोज ना मैं मुझे इन चीज़ों का शौक़ रहा है क्योंकि मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें हज़ूर पाक सल वसम ने फ़रमाया था कि जायदादें और ये जो पैसा जो गेम है ना ये ना बनाओ क्योंकि इससे तफरीक पैदा होगी भाई भाई का दुश्मन होगा बाप बेटे का बेटा बाप का दुश्मन होगा और ये हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं मैंने जब इस दफा देखा ना कि अल्लाह माफ़ कर दे कि उस बेटे ने किस बेदर्दी से अपने बाप को मार रहा है गेट के पास और मैंने वो देखा मैंने क्या शुक्र है मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की ना जायदाद ना कुछ देखिए एक दिन आप सुकून में है ना मैं रात को सुकून में सोती हूँ कि सुबह मैं उठूँ मैं कहूँ अच्छा वहाँ कितने पैसे हैं वहाँ कितने जितने मुझे मिलते हैं मेरे लिए वो बहुत है मुझे कोई फैंसी गाड़ियों का गाड़ी मांगी थी अल्लाह ताला से गाड़ी मिल गई अब मैंने ब्रांड नहीं उनसे कहा था कि आप मुझे मर्सिडीज़ दें जब होगी कभी तो मिल जाएगी नहीं होगी आई एम स्टिल मतलब फाइनल मेरे लिए जीरो मायने रखते मेरे साथ अमीर तरीन इंसान भी बैठा होगा तो मैं उसे गपशप लगाऊंगी बात करूंगी मैं ये नहीं कहूँगी अच्छा यार mm. लोग कहते हैं ना भाई इनसे कॉन्टैक्ट बनाए आप इनसे आपको बड़ा फायदा काम होगा. के बंदे <laughs> काम के बंदे मैं क्या बात सुने मैं खातून हूँ mm. फीमेल हूँ मैं किसी से अगर इतना बड़ा फेवर लूंगी तो वो इतना मुझसे इश्क नहीं करेगा कि फ्री में फेवर कर देगा हाँ हाँ आपके लिए ये बिल्कुल yeah. फिर वो कहेगा अस्सलाम वालेकुम व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग मैं सॉरी मैं किसी की बुल क्रैप नहीं बर्दाश्त करूंगी कि शाम को क्या कर रही हैं मैं कहूंगी भाई मैं डॉग्स के साथ बैठी हूँ <laughs> वो कहेंगे हमने आपके लिए इतना बड़ा फेवर किया तो आप आ सकती हैं मैं yeah. कहूंगी फिर न... कैसे किस मुँह से मैं कहूंगी नहीं आ सकती hmm. जो आप किसी से उस डायमंड में आ जाए हाँ हा. आप डायमंड रिंग या इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट या कोई चीज़ मॉनेटरी लेते तो वो इतना तो आप कोई वो नहीं है वो कि वो कहेगा बस बहुत इतना वो आपसे उसका भी रिटर्न भी मांगेगा वो एक गिव एंड टेक वाली एक वो अंडरस्टूड सी चीज समझी जाती है ना टेक करें ना गिव करना ही <laughs> नहीं पड़ेगा आराम से घर जाके सो जाए अपने ज़मीर को भी आ, आ, लाइट रखे और अपनी जिंदगी को भी राइट माय लाइफ इज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन चीजों का सहारा कभी नहीं दिल का सुकून है तो हाँ। बस

Why are you still doing that? आई यू स्टिलील it's every human की responsibility at the moment. देखिए हमने फ़लस्तीन और कश्मीर के इशू के बारे में बहुत सुना था बचपन से सुन रहे हैं कि वहाँ पर यूँ हो रहा है वो हो रहा है पचहत्तर साल हो गए हैं लेकिन कभी देखा नहीं था देखिए सुनने में और देखने में बहुत फ़र्क है जब मैंने देखिए मेरे गूजबम्ब्स खड़े हो गए जब मैंने ये फुटेज़ देखनी शुरू कि सेवन्थ अक्टूबर से तब से लेके अब तक मैंने अपनी स्टोरी में कोई अपने शो की पिक्चर नहीं डाली कोई सेलिब्रेशन की बिकॉज़ देखिए एक ज़मीर नाम की चीज़ होती है कॉन्शंस वो आपको इजाज़त नहीं देता और अगर किसी का ज़मीर और कॉन्शंस ज़िंदा है आज के दौर में तो मैं कहूँगी वो दुनिया का लकी तरीन ब्लैसिंग है ब्लेसिंग because... अल्लाह ताला की उस पर तो मैंने जब वो फुटिजेस देखने शुरू किए मैं आपको बता नहीं सकती हम तो उनके करीब भी नहीं फटक सकते ईमान की ताकत में कि आपकी पूरी फैमिली जो है कफ़न में लिपटी पड़ी हुई है और आप अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं वहाँ पे जो बंद जो एक बूढ़ा आदमी उसकी पूरी फ़ैमिली दस बंदों की छोटे बच्चे ये वो सब की और वो अल्हम्दुलिल्लाह हसबून अल्लाह नियमल वकील व मौला नाम नसीर ये पढ़ रहे हैं वो इसके बाद मुझे बड़ी शर्म आई अपने आप से और आ, मैंने कहा कि यार आ, मैं तो ये नहीं कर सकती शेडो बैन हो बैन हो या बंद हो जाए, हो हो जाए। हाँ। कुछ भी हो मुझे इसकी, इसकी फ़िक्र करूंगी मैं कि मेरा अकाउंट बैन ना हो जाए तो मेरे अल्लाह ताला ने मेरा अकाउंट जिस दिन बंद कर दिया तो फिर क्या होगा फिर मैं कहाँ पूछ पूछेंगे वो ये मैं अब आप बता दूं इस हर मुसलमान तो है हर इंसान से जिसको दुनिया में लाए वो वो पूछेंगे जरूर कि रोज़ तुम लोग वीडियोस देखते थे लेकिन कुछ करते क्यों नहीं थे क्यों नहीं बोलते थे कर नहीं देखे मैं वहाँ जा कुछ कर कुछ नहीं कर सकती। नहीं करती लेकिन मैं सेलिब्रेशन तो रोक सकती हूँ मैं बहुत इवेंट्स पे मैंने मना किया कि मैं सॉरी नहीं आ सकती नहीं नहीं क्यों नहीं आ सकती मैंने कहा यार बस मेरा नहीं है दिल मैं खाना खाती हूँ तो मुझे वहाँ पे बच्चों के पास खाना नहीं है बेचारे आपको अंदाजा नहीं है वहाँ पे जो कि डेवेस्टेशन और जो वहाँ पे अब uh, वहाँ पे हाल किया हुआ है उन्होंने hmm. तो मुझे गिल्ट फील होती है जब लोग जो है खाना ज़्यादा खा रहे होते हैं मैं कहती हूँ यार आप लोग थोड़ा उतना लें जितना प्लेट में खा सकें तो so मुझे उनकी ऐसा फिक्र नहीं है कि वो मेरा बैन होता है नहीं मुझे डर इस मामले में नहीं लगता गॉड शुक्र हैज़ मेड मी अ फियरलेस पर्सन वेर दीज थिंग्स आर कंसर्न और मैं हमेशा उनके लिए बात करूँगी चाहे जब तक ये मामला कहीं सेटल नहीं होता बिकॉज ऑफ़ द फैक्ट कि आई थिंक अगर हम लोग उनके लिए उनको सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए बात नहीं कर सकते तो हम कैसे अपने आप को मुसलमान कहते हैं बिकॉज ऑफ़ द फैक्ट आई कैन नॉट टेल यू दैट यस्टे वो एक छोटा सा बच्चा था वो अकेला वहाँ पे पता नहीं उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था तो जब लोग इतनी सेलिब्रेशन कैसे कर सकते हैं मैं स्टार्स से और उनसे मेरा कोई पर्सनल लेना देना नहीं इन्फ्लुंस उनकी ड्यूटी बनती है भाई कि आप लोग इतना जो क्लिनिक्स में या ब्यूटी टिप्स और ये वो देते हैं इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है उनको भाई आप अगर उनके लिए एक धेला नहीं खर्च कर सकते तो कम से कम उनके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं hmm. आपके दस मिलियन फॉलोअर हैं एक तस्वीर उनके लिए लगा दें कितना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से दैट्स yeah. वाई yeah. मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे साथ मैं अब आपको वापताऊँ हम लोग चार पाँच लोग हैं जो कि इस मामले में ज़्यादा वोकल हैं जिसमें सबसे बड़ी बात जो मैं जिनके बारे में ज़रूर कहूँगी जिनके लिए बड़ी मिसकनसप्शन है मारिया भी जो है शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड एंड अ लवली पर्सन साथ में एक और इन्फ्लुएंसर है मोना हुसैन है फिर नाजिया हैं फिर आ, आफिया हैं और हम लोगों ने एक पॉडकास्ट भी किया था अभी रिसेंट करना भी है और एक आयशा जी हैं उनकी एक एन है तो कम लोग हैं लेकिन देखिए अल्लाह के आ, Uh, बात करने में या उनकी राह में चलने वाले हमेशा कम लोग ही हैं और इस तरह जो एक एजेंडा चल रहा है पूरी दुनिया में वो सबको समझ आ गया एल जी पी टी क्यू वाले उस पे भी आ जो होते हैं, वेरी वोकल देखिए आप अगर एल जी टी क्यू का भी क्या अगर आप हैं या नहीं है आप प्लीज बिहाइंड क्लोज डोर्स रहे लेकिन उसको आके अपने तरीके से दूसरे के बच्चों को नई जनरेशन को बेरारवी का शिकार करना ये हम मैं तो इसके ख़िलाफ़ ज़रूर बोलूँगी चाहे मेरे लिए काफ़ी सारे शो बिज़नेस में लोग अगेंस्ट हो जाए मैंने उनको जवाब देनी होना मैंने किसी इंसान को जवाब देनी होना मुझे अल्लाह का डर बहुत है और अल्लाह का डर होना बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए तो मुझे तो उनको मुंह दिखाना है मैंने तो इन लोगों को मुंह नहीं दिखाना दिखाने नहीं है, हाँ। मेरा जितना अल्लाह ने काम रखा हुआ है मैं उनको जवाब दे हूँ तो मैं इसके लिए आवाज भी उठाऊंगी मेरा शेडो बैन होता है बंद होता है जो भी होता हुँ। हुँ। है बट आई कैन नॉट सी सच हैपनिंग एंड बी ओके हाँ जी कोई बात नहीं देखिए दुनिया में तो ऐसे होता है जब लोग ये कहते हैं दिल एक मुक्का मार के उनके दांत ही तोड़ दो चार पांच अगर हैं उनके अपने वैसे तो आजकल दांत <laughs> होते हैं, नहीं वो बहुत क्योंकि लोगों के दिल में भी ये सवाल उठता है क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने शुरू किया दिन के टुकअप ब्रेक और फिर वो उसको बैलेंस करने की कि देखें ये भी तो हमारा काम है ये भी तो चलने उसके साथ साथ ताकि अकाउंट ही ना बिल्कुल खत्म हो जाए लेकिन आपकी वो एक अभी तक चल रही है और uh, मुझे पर्सनली भी पता है कि आपने बहुत सारे ऐसे इवेंट्स से भी माजरत की है जो आपने कहा कि जब दिल ही नहीं है जब आपका दिल कहीं और है दिमाग कहीं और है तो आप उसको नहीं कर सकते हो नहीं गिल्ट तो, भी है देखिए मैं अगर देखे यहाँ पे शो तो मैं करती हूँ वो तो देख दैट्स माई ब्रेड एंड बटर एंड वो मुझे करना है लेकिन उसके अलावा मैं कोई बर्थ कोई सेलिब्रेशन की वीडियो यार थोड़ा सा तो इंसान अगर हम ये नहीं करेंगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा खाना पीना नहीं खा सकते फन नहीं करेंगे लेकिन हमारे लोगों को भी सोचना चाहिए कि आप लोग इतने बड़े बड़े जो भी उसको सोशल मीडिया पे ना डालें हाँ, अगर ना। कर भी रहे हैं तो उसको सेलिब्रेट करके दिखाएं ना पूरी दुनिया डांस कर रहे हैं आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप ये भी कह रहे हैं हाँ ठीक है ट्रोलिंग हो रही है तो होए ठीक है वो आप बेशक मेरी तरफ से आप स्विमिंग पूल में चलाएंगे हमारे बट प्लीज डोंट पोस्ट योर सेलिब्रेशन ऑन ऑन सोशल मीडिया वेयर एवरीबडी एल्स इज इन सच ए ग्रिम सिचुएशन मतलब अभी एक डिजाइनर ने अब सोचें कितना उनका अल्लाह माफ़ करे मजाक उड़ाया कि कॉफिज लेके आपने मॉडलिंग करवाई तो देखें दुनिया में कैसा तूफान उठा अब उसके ऊपर बोलना नहीं है और बिल्कुल नेक्स्ट डे उनको भी करना पड़ा क्योंकि जो उनको एक पूरी दुनिया से, तो ये आपकी पावर है तीन चार हमारे उन्होंने ये चीज बोली कि जी फिर तो फेसबुक भी आप फलाना कर दें वो भी फलाना कर दें वो भी वो भी ना यूज करें नहीं वो आपके पास दुश्मनों ने अगर बनाया हुआ टूल है उस टूल को उनके अगेंस्ट आप यूज करें आप अपनी आवाज उसके थ्रू उठाएं ये नहीं है कि जी फिर तो ये ग्लास भी उनका बना हुआ है ये इसमें पानी ना पिए ये इतनी चुपेट किस्म की थेरी दी है उन्होंने नों आपकी एक अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है एक आपका वो गिल्ट और एक आपकी अपनी वो होती है अगर आपको उस तरीके से लग रहे तो नहीं अगर आपने फर्ज क्या है अगर आपने नहीं बोलना ना यहाँ तो आप दूसरों को डिमीन कर रहे हैं आप चुप कर जाए ना बोले ना हाँ। आपको थोड़ी थी कह रहा बोलने को आपने तो बोलना नहीं लेकिन उसका स्टूपिड किस्म का जवाब देना कि जी फिर तो आप इंस्टाग्राम भी खत्म कर दें फोन भी ना यूज करें क्यों ना यूज करें आप उनके खिलाफ उसी उसी टूल को यूज करें अच्छा मिश्र मुझे ये बताएं कि जब आपको मतलब ऑफ कोर्स जब इतनी फैन बेस हो तो जहाँ पे अच्छे कमेंट्स आते हैं वहां कुछ नेगेटिव कमेंट्स पे होते हैं क्योंकि हर कोई हर इंसान तो आपकी बात से इतफाक नहीं करेगा तो जो हेट कमेंट्स आते उनको है <laughs> मुझे मुझे है। हैं उनको जवाब क्यों देती प्यारा इसकी वजह ना अरे मैं बैठी जो मैं अपने यूजली जो कमेंट्स और ये हुआ है ना रात को देखती हूँ अब रात को मैं नींद नहीं आ रही होती मुझे मजा मजा आ रहा था अच्छा अब आगे ना बड़ा मजा आएगा इसको ये जवाब दूंगी इसको ये नहीं है कि मैं अपने को डिफेंड करती हूँ मुझे मज़ा आता है उनको जवाब देने का अच्छा बच्चों छोड़ूंगी नहीं तो मैं मैं एक, एक पठान हूँ और मुझे ये होता है कि मुझे कोई ट्रिगर कर देना फिर मैं उसको वहाँ उसके घर के दरवाजे तक पहुँचाती हूँ ये मेरा एक इशू है अच्छा। जो कि मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे शौक़ है काम का पंगे लेने का अच्छा इसको भी बताती हूँ ठहर जाओ उसको भी और दूसरों जिस तरह जो ये आपके एंटरटेनमेंट पोर्टल्स हैं ना उस पर अगर किसी ने मेरी से लगाई हो उधर जाके भी मैं उनके पीछे पड़ जाती शाबाश। तो तो वो वो कहते हैं आपके पास तो बड़ा टाइम 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 है तो करते, करते, है मैंने कहा ही छोड़ूंगी तुमको घर कि ये तो आगे से जो अभी उसके ऊपर एक लगाई थी ऑन ट्विटर वो वहाँ के जो सो कॉल्ड लिबरल्स हैं वो मेरे काफी पीछे पड़े थे दो दिन लगे थे मुझे और मुझे मारिया मैं कहती हूँ तुम्हें टेंशन नहीं मैंने कहा नहीं मेरे पास सुबह का एक घंटा होता है मैं डंग 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 लगी हुई थी मैं और मैं रिटर्न में नहीं जवाब देती मैं छोटा सा वीडियो बनाती हूँ फिर उनको रीपोस्ट करके ना उनके नाम से उनके साथ फिर वो कहते हैं यार थक गए भाई इससे तो ये नहीं थकेगी हम थक गए थक गए अच्छा अगर मॉर्निंग शो करते हैं तो कोर्स एक इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए कि हर जहाँ भी जो कुछ हो रहा है उसकी आपको इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए तो कभी ऐसा हुआ रात को सो रही हूँ सुबह बस उठ के जल्दी से पहुँच गई और रातों रात ही बहुत कुछ हो गया हो जो आपको ना पता हो अब्लिवियस हो और मॉर्निंग शो एक बिल्कुल ही नए मूड में चल रहा और फिर जाके रियलाइजेशन हिट किया हो कि हैं ये क्या हो गया था बिकॉज कितने इस तरह के सानहे भी मैं कहूँगी ऐसे वाकियात भी हुए जो रातों रात तो हो जाते <laughs> <laughs> हैं को नहीं सॉरी <laughs> एक हुआ था अभी पिछले दिनों वो वाले लेके जिक्र कर दो हाँ हाँ वो जो सुबह में आई थी ना जी लेट हो गई थी मैं मैं लेट हो गई थी वो ना नहीं नहीं को, अच्छा वो वाला नहीं नहीं वो वाला मुझे वो आला, वो आला। अच्छा। नहीं बताओ नहीं नहीं आ, आ, बता रहे मैं आई सुबह अब सुबह गाड़ी के आवाज़ आ रही उसमें स्टार्ट ही नहीं हो रही बैटरी डाउन अब मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ मैं भाग रही मैंने कहा यार इस वक्त तो कोई लिफ्ट और लिफ्ट डर के मारे आज को ल, कोई लेगा नहीं कि पता चले चैनल की जगह आप कहीं मरी पहुँच गए हैं आए आपको मरी लेके चलता हूँ तो वो हुआ तो आते आते मैं लेट हो गई अब मैं लेट जब हुई जब मैं अंदर आई एक बहुत ही बुरी सबसे दुनिया की टूटी तरीन एक टैक्सी जो थी ना वो मेरे किस्मत में आई जिनके जो ड्राइवर थे उन्होंने जो चश्मा लगाया हुआ था इधर उन्होंने स्ट्रिंग बांधी भी थी और मैंने कहा तेज़ चलाए तो वो तेज कड़ा कढ़ा कढ़ा कड़ा कढ़ा और मैंने कहा ये तो अगर बहुत तेज़ चलाया गया तो ये ना हो कि टैक्सी खुल के गिर जाए कितनी गंदी टैक्सी थी वो खैर वो बाय द टाइम पहुँची तो दस बज गए ओह तो वो मेरे एक है वो उन्होंने प्रोग्राम शुरू कर दिया अब मैं खड़ी हुई ना मैंने कहा ब्रेक पे जाएंगे तो मैं तो पता नहीं क्या हुआ तो किसी ने कुछ कहा या क्या हुआ वो खेलेंगे पता है प्रोग्राम मैं ही कंटिन्यू करूँगा मैं कह क्या क्या करके ना मैंने कहा मैं जा रही हूँ मैं चली गई मैं गेट से बाहर निकली ना तो हमारे एक है बहुत प्यारे गुलदाद भाई गुलदाद भाई मैं तेज तेज ना रोती भी ना गुस्से में जा रही तो गुलदाद भाई पीछे ना एक सुजुकी हमारी जो है ना चैनल की तो उसके ऊपर ना पीछे पीछे आ रहे तो एकदम से उतरे और वहाँ पे स्टील वाले और सारे ना जो गार्ड्स हैं सब है। खड़े हुए तो उतरते कहते मैडम बुला रही हैं आपको चलें पकड़ के मुझे खेच रहे मैं तब तक ना मेरा रो रो के ना बुरा हाल हो गया था अब मैं बदाल थी बिल्कुल मेरा उस मुस्कारा यहाँ और बुरी मैं छोड़ दे मुझे मैं नहीं जाऊँगी वो अब खींच रहा वो और दरवाज़ा और जो हमारे एक ड्राइवर है ना वो ऐसे करके देख रहे ना क्या हो रही क्या हो रहा है और सारे गार्ड्स देख रहे कि वो क्या रहा है किडनैपिंग का केस है क्या <laughs> खींच रहे प्रॉमिस मेरा ना यहाँ पे ना बाजू में हो गया नहीं मैडम वो बुला रहे मैंने कहा मैंने नहीं करना मेरे इतने बुरा हाल है मैंने नहीं आज प्रोग्राम करना करते 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 उसके बाद वो बेचारे मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ फिर टैक्सी में वही वाले अंकल उस जगह पे <laughs> मैंने कहा यार यही वाले मिले मैं चले कहते हैं जी मुझे तो किसी ने बुक किया हुआ मैंने कहा आपको किसने बुक करना है आपकी तो टैक्सी चलती नहीं है उससे लड़ पड़ी ना मैंने कहा चले मुझे घर जाना है तो क्योंकि था दूर घर है तो चलो मेरे अच्छे पैसे हो जाएंगे खड़ 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 गड़ अब जो आदिल भाई हैं हमारे वो पीछे पीछे आ रहे ना फिर उन्होंने फिर एकदम से मैंने रोते हुए उनकी शक्ल देखी ना तो वो ऐसे देख रहे थे ओह ये तो जा रही हैं अब तो जा रही हैं ये तो कड़ खड़ कड़ कर दो घंटे में मैं वापस पहुंची इतना डिप्रेसिंग डे मेरी लाइफ का मैं ना बिल्कुल ऐसा था कि खुदा ना करे खुदा ना करे जिस तरह आपकी कोई शादी नहीं टूटती है उस डिप्रेशन में थी मैं <laughs> तो अच्छा ये तो हमारी ऑडियंस को एक आइडिया हो गया होगा कि मिशी जहाँ पे होती है वहाँ पे क्या और होता है और कभी अगर आपको इनकी ब्रेक के जो सिचुएशन चल रही होती है हो, वो पता लग जाए तो आप कहेंगे बस क्या ही वो है बट आई थिंक दिस ऑल्सो शोज़ योर लव फॉर योर वर्क मतलब लोगों के लिए तो चले क्या शो शायद कुछ कह रहे हो शुक्र है चलो आज का शो नहीं करना पा रहा कोई कार hmm. है कंटिन्यू मुझे क्या मिले hmm. लेकिन आपका प्यार है आपकी डेडिकेशन है आपकी स्क्रीन के लिए अपने काम के लिए अपनी ऑडियंस के लिए जो शायद एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जब ये 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 दिन है तो हमें सुबह मिशी को देखने को मिलेंगी साथ उनकी बातें होती हैं साथ चल रही होती हैं मिशी इसी के साथ एक वो भी आती है कि जो स्क्रीन के लोग होते हैं ना वो बड़े मेन होते हैं दे डू नॉट वॉन्ट टू शेयर देयर स्क्रीन विद एल्स इज दैट ट्रू जस्ट दैट इज दैट इज़ वेरी ट्रू एंड दैट इज ट्रू बिकॉज ऑफ द फैट कि आप इतने अपने काम में वो फ्लो आ जाता है आप में hmm. कि ठीक है कभी कभार आप को होस्ट भी करते हैं दैट्स वेरी ट्रू दैट्स आई थिंक ये सबको पता होना चाहिए कि ये चीज़ है hmm. क्योंकि आप इसी तरह इसका एक एग्जाम्पल भी आपको दूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक एवरीबडी लेकिन होता ये है कि आ, कोई और अगर कोई आपको खुदा ना करे प्रॉब्लम है कुछ फिर कोई कर ले मुझे कोई सीरियस कोई मसला हो तो हाँ। लेकिन शुक्र है उस दिन मैं ना चली गई वरना मैं शायद उस मोटे का सर तोड़ देती <laughs> <laughs> बेचारा अभी तक एक को लेके फिरते हैं कि अच्छा सर से नाराज आ, है नहीं नहीं नाराज नहीं लेकिन ये कि हाँ हूँ बिल्कुल हूँ आज इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से बस खत्म कर नहीं नीग? ये जंग ही क्या जो ख़त्म हो जाए फिर तो जंग ही ना रही नहीं वो तो खैर ले आपने पूछा ना स्क्रीन मीन नहीं होते आप यू जस्ट आर वेरी लॉयल टू योर शो और योर ऑर्गेनाइजेशन और द पीपल यू वर्क विद ये होता है लॉयल्टी को कभी कभी आ, समझते हैं कि आपको अपना आ, शो बहुत अजीज़ है नहीं इट्स द ओवरऑल थिंग दैट यू लव कि ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना आपके चैनल में होता है चैनल का लव है फिर ऑर्गेनाइज जो आपके मैनेजमेंट है उनका लव है फिर आता है शो का लव एंड लाभ ऑडियंस एंड द ऑडियंस एंड सो ऑन सोवो तो उस बेसिकली वो मीन नहीं होता वो mm. आपकी लॉयल्टी टुवर्ड्स योर शो होता है लोग समझते हैं कि जी अच्छा इनके प्रोग्राम करे कोई देखे अगर मैं यहाँ पे नहीं हूँ

एक जो लॉयल्टी का जो एक अंसर है या एक खासियत होती है इंसानों में वो हमारे शो बिजनेस में थोड़ी कम है कि जिस चैनल के साथ आप एसोसिएटेड हैं उसी के साथ एसोसिएटेड रहना चाहिए ये जो हॉपिंग है ना चैनल हॉपिंग एक और हॉपिंग होती है लेकिन वो मैं जिक्र नहीं कर सकती <laughs> बिल्कुल मुझे वैसी हॉपिंग लगती है कि आप एक चैनल के साथ हैं एवरी इज़ फाइन हंकी डोरी तो क्या ज़रूरत है कि जी वहाँ पैसे ज़्यादा मिले अच्छा वहाँ पैसे ज़्यादा मिलेंगे आपको वो माहौल नहीं मिलेगा फिर आप तीसरे चैनल में जाएंगे माहौल ठीक होगा पैसे नहीं अच्छे होंगे सो इट विल नेवर हैव द सेम ये लोगों को भी गलत इंप्रेशन जाता है कि आपकी लॉयल्टी टूवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये लॉयल्टी वाला फैक्टर आजकल मिलना बहुत बहुत मुश्किल है।, है तो मुझे इसलिए भी होता है कि मैं uh, मुझे अपने पे बहुत वो ये अल्लाह बख्शे मेरे फादर ने मुझे बताया था कि लॉयल्टी और आपकी जो स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर है ये आपको ज़िंदगी में कभी नीचा नहीं दिखाएगा hmm. ये मेरे फादर और अल्लाह बख्शे उन्होंने और मम्मी और हमने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि हम किसी के साथ हैं तो उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए अगर दोस्त आपका गलत है बुरा है अच्छा है अगर उसके लिए कोई बुरा कहता है तो आपको उसके लिए खड़ा होना चाहिए ये नहीं कि आप दुश्मनों के साथ मिल जाएँ ये बड़ी hmm. गंदी आदत है जो कि हमारे में जनरली हमारे माशरे में है मेरी लॉयल्टी अगर एक इंसान के साथ है और दूसरा इंसान भी मेरा दोस्त है उसने उसको नुकसान पहुँचाया है तो मैं ये नहीं होगा कि मिलकर इन बिटवीन का काम करूंगी कि अच्छा उसकी बात उससे उससे बात hmm. लेकिन मैं दोनों से ठीक हूँ हाँ नहीं नहीं, okay. नहीं. Okay. अगर आप एक के दोस्त हैं तो फिर उसी के दोस्त हैं hmm. फिर आपने उसी के साथ रहना है फ्रेंडशिप में भी लॉयल्टी hmm. अगर आपके खून में लॉयल्टी है खून में लॉयल्टी होना जरूरी है तो आपके दोस्तों में के साथ भी होगी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होगी और अपने साथ भी होगी अगर नहीं है मिक्स हो जाता है कभी-कभी। वो एक-एक लॉयल्टी वाला फैक्टर आप सीख नहीं सकते अगर ये है तो है अच्छा मिशी थोड़ा सा होता है कि दिल का कभी और मूड होता है बिल्कुल ही आपकी जिंदगी में अपसाइड डाउन चीजें हुई होती हैं बट व्हेन द इज ऑन यू हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन आपने फिर अपनी वो पर्सनल नहीं ला सकते क्योंकि ऑडियंस मिशी से कुछ और एक्सपेक्ट करती है तो कितना डिफ़िकल्ट हुआ है कभी ज़िंदगी के ऐसे फेजेस पे क्योंकि मॉर्निंग में तो ऑफकोर्स ऐसा एंड देन यू नो योर मदर वाज इन कराची है तो एक वो टेंशन भी पिछले yes. कुछ अर्से में मुझे हाँ. पता है कि आ पर्सनली बहुत डिस्टर्ब थी बट स्क्रीन पर कभी नहीं फील हुआ तो ये कितना डिफ़िकल्ट है डिफ़िकल्ट uh, है बट इम्पॉसिबल नहीं है डिफ़िकल्ट है जब मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर सकी थी तो मैंने फिर uh, उस ज़माने में कोविड चल रहा था तो मैंने थोड़ी एक दो महीने uh, yes. की लीव ले ली थी hmm. लेकिन अब मैंने ये सोचा कि देखें हाँ uh, कोई अगर नेशनल खुदा के डिज़ास्टर होता है दुनिया में होता है या कोई हमारा स्पेशल शो होता है उसमें मैं उस चीज़ को साइड पे करती हूँ जो मेरा बहुत hmm. ज़्यादा एक फैक्टर uh, हाँ. है लेकिन उसके अलावा अगर जो मेरे साथ चल रहा होता है आई ऑलवेज़ लीव माई प्रॉब्लम्स एट होम व्हेन आई कम टू ऑफिस एंड आई टेल एवरीबडी कि प्लीज अगर आपके इतने इश्यूज है ना आप आए ही ना काम पे। कुछ लोगों का होता है ना बिल्कुल ही उजड़े हाल में फेरे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं और बिल्कुल एक होता है हमें कुछ ना को क्यों ना को क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है वो हो रहा है भाई सबके साथ कुछ ना कुछ ना कुछ हो रहा होता है लेकिन जब आप एक काम की जगह पे है तो आप किसी के ऊपर मुसलत नहीं कर सकते मुझे कि मुझे इंपॉर्टेंस दो क्योंकि मेरे साथ ये हो रहा है दैट्स आई एम ट्राइंग टू से जब आपके घर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं या आप मेंटली स्टेबल नहीं है तो उस दिन छुट्टी ले लें बेशक आपकी पे कट जाए लेकिन अगर आप आते हैं तो यहाँ उधर की चीज उधर छोड़ के आए और यहाँ पे अपना काम सही करें और वापस उस प्रॉब्लम को जाके फेस करें hmm. यहाँ फिर हम आए ना ठीक है काम तो पे आके ये कहना मुंह बना बनाए मेरे सो, ये हो गया प्लीज कुछ लोगों को सिंपत्ति और वो भी तो चाहिए होती है ना कि सारे पूछे और बार बार पूछे नहीं नहीं बताओ ना क्या हुआ क्या हुआ तो क्या हुआ तुम्हें बस नहीं नहीं बताओ बस क्या बताओ

जहाँ वर्क प्लेस है वहां पे जो कि आपके पास आके जब बैठते हैं तो आप अपने आप को थोड़ी देर समझते बिल्कुल हैं ज्यादा निज्प वहां से फौरन उठ के दुड़की लगाएं ये वर्ड है दुड़की ओके okay. या वो आ रहे हो तो मुड़ के दुड़की लगा दें <laughs> या कहीं जा रहे हो तो उससे रास्ता मोड़ लें यू हैव टू अवॉइड ओके अवॉइड एनर्जी जो आपकी एनर्जी लेते हैं मैं तो आइडेंटिफाई दो मिनट में कर लेती हूँ तो hmm. मैं दूसरे क्या करके निकल जाती हूँ hmm. अच्छा मिशी इससे एक वो होता है कि कहते हैं फीमेल्स की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रॉग होती है डू यू बिलीव इन दैट कि एक बंदे को देख के आपको आइडिया हो जाता है इसकी नीयत किस तरीके से होगी अप्रोच किस तरीके से करे क्योंकि हो ना स्पेशली अगर आपने शोबिस में सर्वाइव करना है तो आपके ये अलर्ट लेवल बहुत हाई होना चाहिए उटर करियर दो सेकेंड में आपको पता पता चल जाते जाते। बिल्कुल और कहाँ जाने की कोशिश कर, कर रहा है और क्या बात करने की कोशिश कर सबको पता होता पता हैं। लग जाते। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं चल ही हो ही नहीं सकता फिर आप में और एक हैवान में ज्यादा फर्क नहीं है अल्लाह तला ने इंसान को अशरफुलमखलुक इसलिए बनाया की आपके बहुत सेंसिस होते हैं आप पता लगा सकते हैं तो एक इंसान पहली दफा में नहीं आप पे झपटा मार देगा वो पहले आप आई उसको, आई था, था, आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि उसकी आंखों की जो मूवमेंट uh, है <laughs> वो कहीं और जा रही है बजाय आई कांटेक्ट के वो आपकी मूवमेंट इधर उधर जाती है वो आपको फील हो जाता है वहीं पे कहानी स्टॉप करनी चाहिए कहानी जब आगे जाएगी तो फिर आपके लिए उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा कहानी आंखों से पता देखिए आइज आर रिफ्लेक्शन ऑफ वन सोल आंखें सब कुछ कहती हैं। आंखें आंखें झूठ नहीं बोलती और आपकी जान जाती है किसी को ऐसा पार्टी हो शादी हो ऑफिस हो, हो, हाँ, तो की आंखों में फिल्थ है ना तो वो फिल्थ बढ़ेगी कम नहीं होगी तो उधर से ही निकल जाए ना बजाय इसके उधर मरवने ही नहीं उसका दिल टूट जाता भाई टूटने दो दिल को दफा करो दिल को क्या करना है आपने निकले वहां से आपको सब सेंसेस हर इंसान के होते हैं अनलेस यू आर मेंटली नॉट स्टेबल ओके उस नहीं होता होता वरना हर इंसान को पता है थैंक यू सो मच मिश्र जो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे ये करने की हमने बहुत सारी बातें तो कर ली आपकी जिंदगी के डिफरेंट पहलुओं को टच करने की कोशिश की है बट माशा से दे सो मच कि हम उसको जो है नहीं, नहीं। एक पॉडकास्ट में कवर नहीं कर सकते एक बोलते ना बचपन में मैं ये बनना चाहती थी वेरी hmm. क्या यही करना चाहती थी या कोई और ड्रीम्स थे नहीं मैं ये इट वॉज माई कि मुझे बचपन से शौक था एक्टर नहीं ऐसा बिल्कुल अच्छा। नहीं था मुझे बचपन में ए पायलट बनने का शौक अच्छा। था लेकिन जब मैं ग्रो अप की और मैं स्कूल और कॉलेज में गई तो उस वक़्त ख़ुत का ए जी डी पायलट बनना बड़ा मुश्किल, मुश्किल था लेकिन अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वॉट आई वॉन्टेड लॉट ऑफ गर्ल्स आर डूइंग नाउ नहीं नहीं मैं बड़ी बड़ी खुशी होती है कि उसका मेरा एक ख्वाब था जो कि कोई और खातन लड़कियाँ पूरा कर रही हैं तो mm. so, उसका ये था फिर मेरा बड़ा मुझे शौक़ होता था में मामा मैं शादी करवा दें मेरी तो पीछे पड़ी रहती थी नहीं नहीं अभी तो पार्टी हो रही हो मुझे पता किस चीज़ का होता था कपड़े बनेंगे खूब खाने खाएंगे ये नहीं पता था कि बाद में भी को कहानी होती है mm -hmm. बस इसी का बस वो शौक था वो, वो वो एक फैंटेसी होती है हाँ। ना कि दुल्हन की तरह तैयार होना फैंटेसी थी पर वो फैंटेसी अब रियलिटी में मैंने लोगों की देखी इर्द गिर्द देखिए आप देखते हैं रिलेशनशिप्स को इट्स वेरी हार्ड टू हैव टू कीप अ रिलेशनशिप मैं उन कपल्स को जो कि जो हमारे माँ बाप थे उनके बड़ी दात दूंगी कि वो लोग ने कैसे इतने अरसा रिलेशनशिप्स को निभा के रखा एंड hmm. uh, मैं सबको कहूंगी कि वन पर्सन नीड्स टू बी अ लिटिल थोड़ा सा पेशेंट रहना जरूरी इतने करोड़ों रुपए आप लोग ज्वेलरी और शादियों पे खर्च करते हैं उसके बाद एक महीने के बाद पता चलता है इट्स नॉट वर्किंग देखिए दो लोग रहते हैं इकट्ठे बर्तन कई कोशिश और मदर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग होती हैं हर बात पे कॉल करना बेटी कॉल कर रही है वो मुझे ये कह रहे हैं वो मुझे आई थिंक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बड़ा सेक्रेड होता है और बड़ा प्राइवेट भी होता है आई थिंक वो इनको खुद आपस में आपस में सुलझा सुलझाएं शुरू में जाहिर है हर एक को प्रॉब्लम्स होती है देखिए मैं इधर ऑर्गेनाइजेशन uh, में आई मुझे शुरू में जाहिर है टाइमिंग के यार इतनी देर में ये करना है होने में टाइम हाँ, लगता है है। देखिए दो इंसान इकट्ठे मिलते हैं रहना शुरू करते हैं टोटल डिफरेंट इन्वामेंट में तो उनको टाइम लगता है सो यू मस्ट गिव टाइम टू ईच अदर पेशेंट रहें एक इंसान मुझे बड़ा दुख होता है कि इतने लोगों की डिवोर्सेस सुनने को मिलती हैं एंड कॉम्पिटिशन ना करें एक दूसरे से एवरी

नज़र लगती है और बरहक लगती है बहुत खुश होते हैं बड़े गुड लुकिंग कपल है कौन आपको किस नज़र से देख रहा है आपको नहीं पता सो आई थिंक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अपने आप को पोस्ट कम किया करें कोई चीज़ की करें तो समझ में आती है हर वक्त खाने की तस्वीरें बच्चे ये एक एडिक्शन है इस... ये आपको मेंटली भी आपको अपसेट कर जाता है एग्जैक्टली ये एक है इशू है अगर आप इसको बहुत बहुत नजर और हाँ, प्लीज मत करें क्योंकि आपका आप देखें मैं आपको मिसाल दूंगी ये जो आपके अक्रॉस द बॉर्डर इंडियन बॉलीवुड स्टार्स हैं इनकी शादियाँ बच्चे होते हैं मैंने नहीं देखा उनके वो हर वक्त वो पोस्ट कर रहे हैं हम लोगों को एक आदत है क्योंकि पता नहीं क्यों शो मारने की कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है इतने हाई फाई तरीके से नहीं करना चाहिए वो देखें अभी बिपाशा की बेटी हुई है एक भी तस्वीर उसने नहीं लगाई एक्स वाई जेड क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम अब फैमिली वाले हैं पहले हम फैमिली को टाइम देंगे बच्चा बड़ा होगा उसके उसको नर्चर करेंगे फिर उसके बाद एक वक्त आएगा फिर हम दोबारा से शो बिज़नेस में काम करेंगे दोनों चीज़ें इकट्ठी जब करने की कोशिश करें तो एक चीज़ तो सफ़र करेगी हो ही नहीं सकता यू हैव टू टेक अ ब्रेक तभी आप एक स्टेप वन थिंग एट अ टाइम आप इतना कुछ कर ही नहीं सकते आप देखें माधुरी दीक्षित को देख लें उसने पहले उसके बच्चों को अमेरिका उसके बाद कम किया तो वैसे ही कम किया जैसा था तो एक जो तो हमें हौका होता है ना कि हर चीज़ पोस्ट करें प्लीज़ डोंट डू देट मैं व्यूअर्स से भी कहूँगी कि मत हर चीज़ पोस्ट करें नज़र लगती है नजर लगती है दिस कमिंग अ पर्सन हैज़ अ सोशल मीडिया फॉलोइंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं दिस मैटर्स अलॉट ये मतलब आपने दिल की बात की है वरना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या अगर आपकी वो फैन हो तो आप तो उसी के प्रोज बताए ना कि ये भी करो वो भी करो सब कुछ करो बट थैंक यू मिशा यूर पर्सन थैंक यू मतलब <laughs> दिल की बातें होती है ना जो वरना बंदा करते हुए दस दफा सोचता है और दस फिल्टर्स लगाता है और फिर बंदा सोचता है कि इसको किस तरीके से पुट फॉरवर्ड करें आप सब कुछ नहीं कह सकते हो आपके साथ कभी वो फीलिंग नहीं आती है you, I I... के आप एक महीना भी ना बात हो तो अगले महीने जब होती तो बिल्कुल ऐसी जैसे कल अच्छा आज लगा बात करके दिल हल्का हल्का हो गया Okay, Ji, thank you once again. This is it from this episode. Inshallah, we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.